नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच 36 का आंकड़ा है, ये हर किसी को पता है। सारा बॉलीवुड जानता है कि कंगना और करण जौहर के बीच बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती। कई मौके पर दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साध चुके। दोनों के बीच की लड़ाई जग जाहिर है, वही अब दोनों के बीच फिर से जंग शुरू हो गई। हाल ही में करण जौहर ने कंगना का नाम लिए बिना ही उन पर पलटवार किया था, जिसके बाद कंगना कहां चुप बैठने वाली थी। कंगना ने अब करण जौहर पर ताना मारते हुए कहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी हिंदी सुधर गई, अब आगे आगे देखो होता है क्या। बता दें कि करण जौहर ने हाल ही में खुद पर लगे आरोपों के बाद चुप्पी तोड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, लगा लो इंजाम, हम झुकने वालों में से नहीं, झूठ के बन जाओ गुलाम, हम बोलने वालों में से नहीं, जितना नीचा दिखाओगे, जितने आरोप लगाओगे, हम गिरने वालों में से नहीं, हमारा कर्म हमारी विजय है, आप उठा लो तलवार, हम मरने वालों में से नहीं। करण जौहर का ये तंज कंगना रनौत को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने करण जौहर को एक बार फिर से आड़े हाथों ले लिया। कंगना रनौत ने करण जौहर के पोस्ट को शेयर करते हुए पलटवार किया। कंगना ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, एक वक्त था जब चाचा चौधरी एलीट नेपो माफिया वालों के साथ नेशनल टेलीविजन पर मुझे बेइज्जत और बुली करता था, क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती थी। आज इनकी हिंदी देखकर ख्याल आया, अभी तो सिर्फ तुम्हारी हिंदी सुधरी है, आगे आगे देखो होता है क्या। बता दें कि कंगना रनौत कई दिनों से करण जौहर पर निशाना साध रही। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड जाने पर चौंकाने वाला खुलासा किया था। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था, लोग उन्हें फिल्में नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की जा रही थी, जिसके चलते वो इतना परेशान हो गई कि हॉलीवुड चली गई। प्रियंका के इस खुलासे ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। इसी दौरान कंगना रनौत ने प्रियंका चोपड़ा के बयान पर करण जौहर को लेकर एक बड़ा दावा किया था। कंगना ने दावा किया था कि करण जौहर ने प्रियंका को बॉलीवुड में बैन कर दिया था, जिसके चलते उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। प्रियंका के खुलासे और कंगना के इस दावे के बाद करण जौहर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया था। करण जौहर की परेशानी तब और बढ़ गई जब अनुष्का को लेकर उनका सालों पुराना वीडियो वायरल हो गया। एक इवेंट में करण ने माना था कि रब ने बना दी जोड़ी में उन्होंने आदित्य चोपड़ा को मना किया था कि वो अनुष्का शर्मा को फिल्म में लॉन्च ना करें। हालांकि इस इंटरव्यू में करण जौहर ने भी खुलासा किया कि जब मैंने बैंड बाजा बारात देखी तो मैंने अनुष्का को फोन किया और मुझे लगा कि मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए और तारीफ करनी चाहिए। माफी इसलिए कि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी कि अगर आदित्य ने मेरी बात मान ली होती तो मैं वाकई में एक बेहतरीन एक्ट्रेस के करियर ग्राफ को बर्बाद कर देता। इस वीडियो के चलते भी करण जौहर को काफी ट्रोल किया गया था। कंगना रनौत समेत कई हस्तियों ने उन पर निशाना साधा था, जिसके बाद करण जौहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि अब करण के जवाब पर कंगना ने पलटवार कर इस मामले को और बढ़ा दिया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना के इस बयान पर करण जौहर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।